35 की उम्र आती आती हमारी स्किन इतनी ज्यादा सैगी हो जाती है, लटक जाती है, और उस टाइम हमको याद आता है बोटॉक्स के इंजेक्शंस का। अगर आपका समय और आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है बोटॉक्स के इंजेक्शंस का, देन डेफिनेटली यू विल गो फॉर इट, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप घर पे ही कोई चीज ऐसी लगाना चाहते हो जिससे कि आपकी स्किन, आपका चेहरा बिल्कुल ग्लोइंग हो जाए, बिल्कुल टाइट हो जाए, बिल्कुल ब्राइट हो जाए और बिल्कुल चमकदार हो जाए, बिल्कुल 16-17 साल की उम्र या 20 साल की उम्र में जैसी आपकी स्किन थी वैसी हो जाए, तो डियर ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। क्योंकि साइंस ऑफ एजिंग, आपका चेहरा ग्लो नहीं कर रहा, आपके चेहरे पे एक्ने मार्क्स है, ये सब नेचुरल है जो सबको होता है। तो क्यों ना हम एक बार नेचुरल चीजों की तरफ ध्यान दें और यही नेचुरल चीजों से हम अपनी स्किन को बिल्कुल यंग, टाइट, ग्लोइंग और ब्राइट बना सकें। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग इंग्रेडिएंट है, आप सबने उस बारे में सुना होगा, आपने उस चीज के बारे में जाना होगा, लेकिन आज मैं आपको जो बताऊंगी उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताऊंगी कि वो कैसे आपकी स्किन पे अफेक्ट करता है, कैसे आपकी डाइट पे अफेक्ट करता है और कैसे आपकी स्किन को बिल्कुल टाइट एंड ब्राइट कर देता है। फैमिली, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल इशारा पे और मैं हूँ स्मृति। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होगे और बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगे। तो आज का जो टॉपिक मैंने उठाया है वो है कि आपकी स्किन अगर सैगी हो गई है, आपकी स्किन अगर लटक गई है, तो आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हो। सो डियर, मैं हूँ स्मृति, मेरे चैनल का नाम है इशारा और यहाँ पे मैं लाती हूँ हफ्ते में 3 दिन बेहतरीन वाले DIY जिसको लगा कि मेरा परिवार संतुष्ट है और खुश है। अगर आप भी मेरे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मैं ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे अच्छे DIY शेयर कर चुकी हूँ। आपको इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए कुछ खास नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी, आपको साइड में जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करना है, बेल बटन को जरूर आप हिट कर दीजिएगा जिससे आने वाली सारी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक हमको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जिसको भी ये प्रॉब्लम हो। तो आज मैं बात करती हूँ कि कैसे आप अपने स्किन में, अगर आपके चेहरे पे फाइन लाइंस आ गई हैं या रिंकल्स आ गए हैं, तो आप ऐसी क्या चीज लगाओ जिससे कि इंस्टेंट आपको फर्क भी महसूस हो और अगर आप इसको रेगुलर यूज कर लोगे तो ट्रस्ट मी आपके चेहरे की काया पलट हो जानी है। देखिए, सैगी स्किन को फिक्स करने के लिए और ग्लो लाने के लिए कोई जो मैं बता रही हूँ वो खाली एक इंग्रेडिएंट नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ आपके समस्या को दूर करेगी, लेकिन हाँ, ये उनमें से एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके चेहरे की काया पलट देगा, तो वो है चिया सीड। ये चिया सीड आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, मैंने अमेजोन से मंगाया था, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपको मंगाना हो तो। ये छोटे छोटे से बीज होते हैं, काले और सफेद कलर के, बट बहुत ही ज्यादा कमाल के होते हैं। ये छोटे ही बीज आपके चेहरे पे इतना ज्यादा कमाल कर जाएंगे कि आप देख के हैरान हो जाओगे। चिया सीड जो होता है वो रिच होता है ओमेगा 3 से, इसमें होती है एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, ये इसमें भरपूर मात्रा में होता है फाइबर, ये आपके साइंस ऑफ एजिंग को बहुत स्पीड से डिले कर देती है। अगर आप इसको डेली कंज्यूम करोगे तो क्या होगा, तो जो आपका जो अंदर से ये साइंस ऑफ एजिंग को कम करेगी, आपके कोलेजन प्रोडक्शन को ये बढ़ाएगी, आपका कोलेजन प्रोडक्शन को ये इम्प्रूव करेगी, इनहेंस करेगी, जिससे कि आपके स्किन के साथ साथ आपकी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो टाइट ब्राइट हो जाएगी। ये स्टमक के लिए बहुत अच्छी है, आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है, इसको बहुत तरीकों से खाया जाता है, चाहे आप सलाद में खाइए, चाहे आप इसको एज अ स्नैक्स भी ले सकते हो फ्राई करके, या आप इसको कर्ड में भी मिला सकते हो, या आप किसी भी चीज में आपकी क्रिएटिविटी, इसको आप कैसे भी कंज्यूम कर सकते हो। ये आपकी बैली फैट को बहुत तेजी से रिड्यूस करता है, ये आपके चेहरे के एक्ने मार्क्स को कम करता है, अगर आपने रेगुलर इसको यूज किया तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं। और ये भी नहीं कि आपको इसको रोज बनाना है, आप इसको एक बार बना के रख लीजिए और आप इसको 4 से 5 दिन कंटिन्यूसली लगाइए, उसके बाद आप नया बैच तैयार कर लीजिए और ट्रस्ट में जो आपके चेहरे पे जो ग्लो आएगा, आपके चेहरे इतना टाइट और ब्राइट हो जाएगा जिसके कहने ही क्या होते हैं। इसमें होता है विटामिन ई, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 और ये केले से 64% ज्यादा इसमें पोटेशियम होता है जिससे आपकी स्किन टाइटन अप होती है, 6% ज्यादा होता है इसमें कैल्शियम
और जो कि आपको दूध से मिलता है, और इसमें होता है 10% ज्यादा प्रोटीन जो कि आपको दूध में मिलता है। तो सोचिए ये छोटे छोटे बीज क्या कमाल कर जाएंगे आपकी हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए। इसको पहले देखिए इसको बनाना कैसे है और इसको लगाना कैसे है। तो चलिए तो यहाँ पे पहले हम लेंगे 2 चम्मच चिया सीड। चिया सीड में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, फाइबर होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन B6, बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। अब मैंने इसमें मिलाया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमें फाइन लाइन्स और रिंकल्स को भी दूर करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा 10 टाइम्स ज़्यादा स्पीड से चिया सीड कम करता है। इसमें मैंने मिलाया है, ये है गुनगुना दूध, पका हुआ गुनगुना दूध है। इसको मैंने सोक करने के लिए रख दिया है 1 घंटे के लिए साइड में। तो जब तक ये सोक हो रहा है, तब तक आप ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने अमेज़ोन से लिया था। बहुत अच्छा चिया सीड है न्यूट्रो वैली का, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 1 घंटे बाद जब मैंने चेक किया तो ये काफ़ी थिक हो गया था, तो इसमें आप और दूध भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप जितना भी चीज़ें ऐड करोगे, चाहे आप पानी में सोक करो, दूध में सोक करो, ये क्या होता है, ये 10 टाइम्स ज़्यादा सोक कर लेता है। इसके बाद मैंने इसको मिक्सी जार में लिया और इस तरीके से पीस दिया। देखिए बहुत फाइन पेस्ट से नहीं होगा, इसमें लम्स होंगे, ये चिपचिपा सा होता है, तो ये बहुत फाइन पेस्ट नहीं होगा, कुछ इस टाइप से होगा। इसके बाद आपको अपने फेस पे लगाना है। देखिए लगाने का भी एक तरीका है, ये और पेस्ट की तरह नहीं लगेगा, इसको ये आपकी स्किन से चिपकेगा नहीं, आपको चिपकाना है और वहीं पे छोड़ देना है, इसको लगा के वहीं पे छोड़ देना, आपको इसको फैलाना नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से पूरे फेस पे अच्छे से टाइम लेके लगाइए, ये टाइम टेकिंग है, बी पेशेंस, अच्छे से लगाइए। अपने आँखों के नीचे जहाँ जहाँ आपके फाइन लाइन्स और रिंकल्स है वहाँ पर फोकस करके लगाइए, और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि ये आपकी स्किन का बहुत अच्छे से टाइटन अप करेगा। तो यहाँ पे फाइन लाइन्स और रिंकल्स पे लगा के मैंने पूरे फेस पे लगा के इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दिया। 20 मिनट के बाद मैं इसको स्पून की हेल्प से हटा रही हूँ, आप भी ऐसे ही करिएगा। इससे क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि अगर पानी से सीधे वॉशअप करोगे तो बहुत सारा पानी लग जाएगा। और इस तरीके से आप अगर करोगे तो सारे न्यूट्रिशंस भी नहीं जाएंगे, और अच्छे से आपका चेहरा बिल्कुल फाइन और बिल्कुल ग्लॉसी और ग्लोइंग हो जाएगा। इसके बाद मैंने 10 इसको अपने नॉर्मल पानी से वॉशअप कर लिया है, धो लिया है, और आप खुद देखिए कि मेरी स्किन, मेरा फेस कितना ज़्यादा ग्लोइंग हो गया है, कितना ज़्यादा ग्लॉसी हो गया है, ब्राइटन अप हो गया है, और कितना ज़्यादा शाइनिंग कर रहा है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने खुद देखा कि मेरी स्किन बिफोर एंड आफ्टर का कंपैरिजन थोड़ा बहुत तो आप लोग को समझ में आया ही होगा। देखिए मेरी स्किन कितनी ज्यादा इसी समय आप देखो टाइट सी लग रही है, मुझे फील हो रही है यार कि टाइट सी है, और बिल्कुल तो फ्लॉलेस बेबी सॉफ्ट हो गई है बिल्कुल। मुझे तो आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगाने की भी जरूरत फील नहीं हो रही है, क्योंकि अभी हल्की ठंड है, तो ये वैसे ही आपके स्किन पे इतने अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है, आपके चेहरे को हाइड्रेट कर देता है, ग्लोइंग और ग्लॉसी कर देता है, जिससे आपकी स्किन कितनी भी रूखी सूखी हो तो आपको बहुत अच्छा सा ये ग्लो प्रोवाइड करता है। और साथ में जो मतलब टाइटनेस से खुद फील हो रही है, ये आप डेली भी लगा सकते हो, एक दिन छोड़ के भी लगा सकते हो, और आप इसको फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इश्यू नहीं होगा। और इसको आप रेगुलर बेस पे लगाइए 15 दिन महीने भर, उसके बाद का जो रिजल्ट होगा वो ट्रस्ट मी डियर इतना अमेजिंग और इतना इफेक्टिव होगा कि क्या बताऊं। देखिए अगर आप इसको कंज्यूम भी करना शुरू कर दोगे तो आपको डबल फायदा मिलेगा। आप ऊपरी तौर से तो इसको आप लगा ही रहे हो, साथ में इसको अगर आप कंज्यूम भी कर रहे हो तो दुगनी तेजी से ये फायदा करेगा। तो मैं तो कंज्यूम कर रही हूँ इसको डेली, 1 गिलास पानी में मैं 1 से 2 चम्मच इसको मिला के पी लेती हूँ, एम्प्टी स्टमक, खाली पेट, और मुझे गजब के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो डिया ये थी मेरी आज की प्रस्तुति, ये था मेरा आज का प्रेजेंटेशन, उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज मेरे कहने पे एक बार मार्केट से मंगा लीजिए, एक आप शीशी मंगा लीजिए, आपका महीनों चलेगा, महीनों चलेगा, और बहुत कॉस्टली भी नहीं आता है, लेकिन जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो प्राइसलेस मिलेगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल बटन, जिससे आने वाली सारी वीडियो से आप रहोगे अपडेटेड। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।